टलमऊ। टलमऊ का साहित्यिक इतिहास में भी एक अनूठा स्थान है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां किले पर बैठकर प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने नीचे के दृश्यों को देखते हुए अपनी कविताएं लिखी। टलमऊ पुराणकालीन सुप्रसिद्ध नगर रहा है, इसलिए समय समय पर तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त इस स्थान की ओर सबका ध्यान गया। पुराण काल में ये डालभ्य ऋषि की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तीर्थ स्थल होने के कारण जनपद के राजाओं ने गंगा नदी के किनारे मंदिरों व धर्मशालाओं का निर्माण कराया और टलमऊ की धर्मस्थली में बड़ा मठ और उसी के बगल में संस्कृत विश्वविद्यालय भी स्थापित है, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं पथवारी माता मंदिर के घाट पर, और इस घाट पर नमामि गंगे योजना के तहत टलमऊ के सारे घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस योजना का पालन हुआ है। ये सामने पथवारी माता मंदिर, जिसे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो गाइस चलते हैं अब संकट मोचन मंदिर के पास और वहां देखते हैं कि उस घाट में भी कैसा व्यवस्था की गई है। टलमऊ क्षेत्र में संकट मोचन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। जब भी लोग गंगा स्नान करने के लिए यहां आते हैं तो संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। और इस मंदिर के ठीक सामने प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रतिमा भी है। तो देखते हैं यहां से संकट मोचन घाट कैसे दिखता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है संकट मोचन मंदिर घाट का, जो कि नमामि गंगे के तहत इस घाट का सौंदर्यीकरण किया गया है। आप जो है इसका चारों तरफ का पहले व्यू देखें और फिर बताएं कैसा बनाया गया है। ब्यूटीफुल। टलमऊ में गंगा नदी के किनारे टोटल 17 घाट हैं। नमामि गंगे योजना के तहत 8 घाटों की तस्वीर बदल चुकी है, जिसे आप वीडियो में भी साफ देख सकते हैं। घाटों का सौंदर्यीकरण होने से यहां स्नान करना कुछ हद तक आसान हो गया है, जिसे आप आकर भी देख सकते हैं और आए स्नान करें, स्वागत है आप लोगों का। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।